Hello everyone, this is Ankita and welcome back to my channel. I really hope that you're staying good and great. So, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड इन्फॉर्मेटिव भी, स्पेशली अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि वेट लूज करना चाहते हो या अपना शेप मेंटेन करना चाहते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ आप जो डेली यूज़ में जो भी आप खाना खाते हो नॉर्मली जो इन्ग्रीडियंट्स डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं उसके कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव्स बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली एक साल से इसको फॉलो कर रही हूँ एंड आई हैव सीन एन अमेजिंग चेंज इन माई लाइफस्टाइल, क्योंकि मुझे वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, प्लस मैंने अपनी स्किन को अपनी ओवरऑल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव होते हुए देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू फूड स्वैप्स. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट थिंग जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारा नॉर्मल डेली यूज़ में जो हम करते हैं यूज़ सॉल्ट. सो हम लोग जो रेगुलरली सॉल्ट यूज़ करते हैं वो बेसिकली ये सॉल्ट होता है. आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इस पिंक सॉल्ट से, बिकॉज मैं एक साल से इसको पिंक सॉल्ट को यूज़ कर रही हूँ इन मोस्ट ऑफ द, मतलब मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ मैं इसे यूज़ करूँ. हाँ, नॉर्मली घर में कई बार नहीं होता है यूज़, वो घर वाले वही यूज़ कर लेते हैं तो इट्स ओके, बट प्लीज़ ट्राई करो कि आप जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो उसको यूज़ करो, क्योंकि उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है एंड इसमें सोडियम थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू दैट नॉर्मल सॉल्ट. ऑल्सो पिंक सॉल्ट आपको पोटेशियम मैगनीज इस टाइप के मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे क्वान्टिटी में मिलते हैं. एंड दिस वन इज़ फ्रॉम टन ऑर्गेनिक हिमालयन पिंक सॉल्ट. मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आए हैं बिकॉज जो सॉल्ट, जब मैं नॉर्मल सॉल्ट लेती थी, बिकॉज आई एम समवन हु लव सॉल्टी फूड एंड नो स्पाइसी फूड, तो जब मैं नॉर्मल सॉल्ट लेती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेशन के इशूज़ होते थे. बेस्ट होगा अगर आप सॉल्ट को बिल्कुल कट ऑफ ही कर दो अपनी डाइट से, तो बट हाँ एकदम कट ऑफ भी नहीं, आपकी बॉडी को थोड़ा सा सोडियम की ज़रूरत होती है बट बहुत ही बहुत ज़्यादा मिनिमम क्वान्टिटी में. सो ट्राई टू मिनिमाइज द सॉल्ट एंड दिस वन इज़ द परफेक्ट स्वैप फॉर दिस वन. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, दैट इज़ शुगर. ये तो आई थिंक सबके घर में यूज होती है एंड सीरियसली आई मीन मुझे कहना नहीं चाहिए शायद, बट शुगर इज़ काइंड ऑफ अ पॉइजन फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज जिस क्वान्टिटी में हम इसको लेते हैं वो उसे पॉइजन जैसा बना देता है हम लोग की बॉडी के लिए. सो प्लीज़ ट्राई करो कि आप उसकी जगह पे हनी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मैं इसकी जगह हनी यूज़ करती हूँ, या फिर अगर मैं स्मूदीज़ या आइसक्रीम्स बनाती हूँ तो मैं उसमें ट्राई करती हूँ मैं बनाना ज़रूर यूज़ करूँ, बिकॉज अगर आप अच्छा राइप बनाना यूज़ करोगे तो आपको बिल्कुल भी स्वीटनेस की दिक्कत नहीं होगी. एंड मैंने एक साल से शुगर बिल्कुल टच भी नहीं किया है सीरियसली, मतलब एक या दो बार ज़रूर हो सकता है किया हो बट आई डोंट इवन रिमेंबर, बिकॉज मेरे टेस्ट बड्स भी इस तरह से डेवलप हो चुके हैं कि मुझे हनी और बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल शुगर. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग, दैट इज़ योर टी. घर में चाय वगैरह तो बनती ही रहती है, सो वॉट यू कैन डू इज़ कि आप जो नॉर्मल ये ब्लैक टी जो नॉर्मल आप टी जो पीते हो इसको आप स्वैप कर सकते हो एक ग्रीन टी से, या फिर कोई भी हर्बल टी, जो काफ़ी सारी हर्बल टीज प्रेजेंट हैं आजकल मार्केट में एंड बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स की बहुत अच्छी अच्छी थी. एंड रिसेंटली आई बॉट कैमोमाइल टी एंड दिस इज़ फ्रॉम इंडियन चाय एंड आई रियली लव्ड इट बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रॉ फीलिंग देता है ये. जब मैंने इसको पिया द स्मेल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मुझे लगा था शायद टेस्ट में इतना अच्छा नहीं होगा, टेस्ट में बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही माइल्ड सा था, बस इसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसमें रियल यू नो फ्लावर्स हैं कैमोमाइल के सूखे हुए. बट या अगर आपको कोई और ब्रांड की कैमोमाइल टी मिलती है थोड़ा सा कम रेट में देन प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि पर्सनली मुझे थोड़ा सा ये कॉस्टली लगी है बिकॉज इट इज़ 50 ग्राम्स फॉर 345 रुपीज़. टेस्ट में शायद आपको ज़्यादा अच्छी ना लगे बट बहुत रॉ है एंड बहुत हेल्दी है एंड यू नो आपकी प्रायोरिटी पहले हेल्थ होनी चाहिए फिर टेस्ट होनी चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होती है ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से बाहर आए. एंड इन ग्रीन टी को क्या होता है कि प्रिवेंट किया जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, बिकॉज फिर वो हेल्दी नहीं रह पाती है ज़्यादा एंड बिल्कुल न्यूट्रिशन लैक नहीं होती है उसमें, काफ़ी ज़्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ योर नॉर्मल मिल्क. मिल्क और चाय कॉफ़ी तो हम लोग पीते ही हैं, सो बेसिकली आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस कि आजकल जो भी मिल्क आता है वैसे ही काफ़ी चीज़ें कंटामिनेटेड ही होती हैं, बट ये जो नॉर्मल मिल्क होता है जो कि एनिमल बेस्ड होता है यानी कि डेयरी प्रोडक्ट में जो आता है, ये काफ़ी ज़्यादा हॉर्मोन्स में हाई होता है बिकॉज इसमें ऑब्वियसली अगर ये आप काओ का मिल्क ले रहे हो या गोट का या किसी का भी, ये इट इंक्लूड्स हॉर्मोन्स एंड स्पेशली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विच आर फैट सॉल्युबल. इट कैन एक्चुअली डिस्टर्ब योर हॉर्मोनल लेवल बिकॉज इट एक्चुअली कंटेन्स हॉर्मोन्स एंड दैट्स वाई मैंने एक साल से इसको बंद कर रखा है बिल्कुल डेयरी मिल्क को. एंड
मुझे एक्चुअली मिल्क बचपन से ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मेरे लिए टफ नहीं था मिल्क छोड़ना. एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग मिल्क टी एंड मिल्क कॉफ़ी, आई एम हैविंग ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी एंड ऑल. सो बट अगर आप एक यू नो चाय वाले इंसान हो, कॉफ़ी वाले इंसान हो, तो प्लीज़ गो फॉर अ प्लांट बेस्ड मिल्क. दिस वन इज़ केश्यू एंड ओट मिल्क. यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो. लाइक केश्यू इज़ वेरी हेल्दी एंड कंटेन्स गुड फैट्स. तो यू नो इसकी जगह आप अगर ये यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा. एंड स्पेशली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा वेट लॉस को डिफ़िकल्ट बना सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, ये मैं कहीं से पढ़ के या कहीं और से नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. जैसे ही मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद किया था, आई स्टार्टेड फीलिंग सो लाइट एंड इतना जल्दी वो मुझे डिफरेंस दिखा था. दैट्स वाई मुझे फिर वापस मन ही नहीं हुआ कि मैं वापस उस ट्रैक पर जाऊँ एंड मिल्क कंज्यूम करूँ. नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट, राइस. फर्स्ट लेट मी टेल यू कि अगर आप एक वेट लॉस जर्नी पर हो और आपको किसी ने ये कहा है कि राइस बंद कर दो, देन प्लीज़ यू नीड टू लुक इन टू इट, बिकॉज राइस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर बॉडी, बट इन अ वेरी बैलेंस्ड क्वान्टिटी. बट स्टिल, क्योंकि मैं रोटी ज़्यादा नहीं खाती हूँ एंड राइस ही ज़्यादा खाती हूँ, तो राइस का एक और अच्छा अल्टरनेटिव मैंने जो देखा है वो है किनोवा. एंड मुझे बहुत पसंद है बिकॉज आप उसको किसी भी फ्लेवर में किसी भी तरह किसी के भी साथ खा सकते हो. एंड एज़ कम्पेयर टू राइस, ये कैलरीज में भी काफ़ी कम होता है, इसमें कार्ब्स भी कम होता है, इनफैक्ट प्रोटीन की क्वान्टिटी भी होती है थोड़ी. एंड बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही हेल्दी होता है. टेस्ट में और टेक्सचर में थोड़ा सा अलग है राइस से, बट स्टिल आई मीन अगर आप एक दो बार खाओगे आपको अच्छा लगने लग जाएगा. एंड इट इज़ रियली रियली गुड. मैं इसका किनोवा सैलड बनाती हूँ, कभी कभी सूप बनाती हूँ, कभी दाल के साथ खाती हूँ. आई मीन यू नो बेस्ट थिंग अबाउट दिस वन इज़ कि आपको कैसे भी खा सकते हो जैसे आप राइस को खाते हो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ योर व्हीट. अब रोटी तो सब घर में खाते ही हैं, राइट? एंड व्हीट इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि रोटी, ब्रेड एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी व्हीट से ही बनती हैं. बट यू नो वॉट, वीट आपको अवॉइड करना चाहिए अगर स्पेशली आपको वेट लॉस करना है. दूसरी चीज़, आपको ओवरऑल यू नो अपना गट हेल्दी रखना है, अपनी बॉडी हेल्दी रखनी है, यू नीड टू कट ऑफ ऑन ग्लूटेन दैट इज़ प्रेजेंट इन द वीट. क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी लोग तो ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं, तो वो लोग मतलब वो लोग जस्ट वीट लेते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनडाइजेशन वगैरह. तो जिन लोगों को नहीं होता उनको लगता है कि हमारे लिए तो इट्स ओके एंड हमें मतलब सूट कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है. क्योंकि ग्लूटेन से क्या होता है कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है. एंड उसकी वजह से सिर्फ आपको इनडाइजेशन नहीं होगा, आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लाइक हेडेक, डिजीनेस या फॉगी यू नो फॉगीनेस, ऐसी काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं उसकी वजह से. एंड हम उसे निगलेक्ट करते हैं और हमें लगता है कि इट्स गोइंग वेल. सो अब आपको पता नहीं है अगर कि ये आपके लिए सही है कि नहीं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि थोड़ा इसको रिड्यूस करके देखिए. मतलब अब पूरी तरह से कट ऑफ करना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट एटलीस्ट यू कैन रिड्यूस द क्वांटिटी. इनफैक्ट मैंने भी पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं किया है क्योंकि वो हो नहीं पाता है. सो व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैं ट्राई करती हूँ, मैं इसको वीक में एक या दो बार ही लूँ, मतलब जो वीट रोटी होती है. एंड इंस्टेड ऑफ दैट आई गो फॉर राइस और समथिंग एल्स, बट आई जस्ट यू नो अवॉइड हैविंग रोटीज डेली. And I mean wheat roti daily. And one more thing, that इसकी जगह मैं क्या करती हूँ, मैं use करती हूँ this is रागी flour, रागी का आटा है ये. And आप इसकी जगह और भी आटा use करते हो, बाले का, मक्के का and rice flour and बहुत सारे आटा, मतलब बहुत सारे type के आपको flour मिल सकते हैं market में. And they are really really very you know बहुत ही ज़्यादा healthy होंगे वो option as compared to wheat, because उसमें gluten नहीं होगा. एंड आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट दिखता है तो प्लीज़ आई मीन जस्ट स्टक टू इट, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा. एंड दैट्स वाई आई जस्ट अवॉइड इट, बिकॉज मुझे अब मतलब आदत नहीं है इसको रोज़ खाने की. एंड द रागी रोटी आई मेक, इट इज़ वेरी डिलीशियस एंड वेरी यू नो वेरी हैवी एंड वेरी डिलीशियस. आप दो रोटी खाओगे आपको भूख ही लगेगी काफ़ी टाइम तक. एंड इट इज़ वेरी फिलिंग, ऑल्सो इट कंटेंट्स विटामिन डी, आयरन एंड प्रोटीन ऑल्सो. सो इट्स अ गुड ऑप्शन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो आप डिप्स लेते हो या मेयोनीज लेते हो, जब भी आप चिप्स वगैरह खा रहे हो, फ्राइज़ खा रहे हो, कुछ भी स्नैक के साथ हमारी आदत होती है, हमें कुछ सॉस जैसा डिप जैसा कुछ चाहिए होता है. तो मोस्टली पीपल जो हैं यहाँ पे मेयोनीज वगैरह यूज़ करते हैं, इस टाइप के मतलब और भी डिप्स वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट भी हमें बहुत पसंद आता है. एंड कंसिस्टेंसी जो होती है वो क्रीमी सी हमें बहुत पसंद आती है. बट यू नो व्हाट, वो जो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ ऑयल एंड प्रिजर्वेटिव्स ये यूज़ करते हैं, उसकी वजह से अनहेल्दी तो ये होता ही है. प्लस इतना ज़्यादा हाई इन कैलोरीज हो जाता है कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो आप इसको बिल्कुल टच ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज
It is so dense in dense in calories and also very high in fat. What I prefer is ki I'm using this hummus and हमस के लिए आपको काफ़ी सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी ऑनलाइन, आप घर में इजीली बना सकते हो. मैंने ये ऑनलाइन मतलब लिया है. दिस वन इज़ फ्रॉम विन ग्रीन्स फार्म्स एंड ओरिजिनल ऑलिव हमस, यू कैन सी. एंड डोंट वरी, मैं सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आई थिंक आपको सारे क्लियरली दिख नहीं पा रहे होंगे, बट मैं सारे जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ अभी उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन बाय देम. एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट एनी थिंग, आप इंस्टाग्राम पर मुझे कभी भी DM कर सकते हैं. बट मैंने ये ऑनलाइन इसलिए परचेज़ किया क्योंकि मेरे पास अच्छा ग्राइंडर नहीं था, उसमें अच्छे से बन नहीं पा रहा था. बट अगर आपके पास घर में अवेलेबल है ग्राइंडर तो आप इजीली उसको बना सकते हो. एंड जस्ट यू नो इट इज़ वेरी डिलीशियस एंड वेरी वेरी न्यूट्रिशियस. ऑल्सो कैलोरीज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस जर्नी पर हो, तब भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो. नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट, योर फ्रेश जूसेस, आई मीन सो कॉल्ड फ्रेश जूसेस जो आपको मार्केट में बिकते हैं कि भाई जूस है हेल्दी है तो ले लो, बट यू नो यू नीड टू कट ऑफ दीज रेडीमेड जूसेस बिकॉज ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं. इनमें सिर्फ शुगर होता है एंड कार्ब्स होते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स, जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. एंड इट्स यू नो इट्स इट लैक्स ऑल द न्यूट्रिशन एंड इट्स जस्ट लाइक टेकिंग कैलोरीज, दैट्स इट. सो वॉट आई डू इज़ कि मैं ट्राई करती हूँ, मैं जितना ज़्यादा फ्रेश जूस घर पर बना पाऊँ मैं वही पीती हूँ. बट आई डोंट प्रेफर जूसेस, आई मीन आई लाइक कि मैं फ्रूट्स काट कर ही खाऊँ. बट स्टिल इफ़ यू आर जूस पर्सन, जस्ट यू नो एक ग्राइंडर या ब्लेंडर कुछ भी ले लो यार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. एंड जस्ट जो भी आपके फ्रेश फ्रूट्स आ रहे हैं उसका जूस बनाओ एंड जस्ट इन्जॉय. एंड प्लीज़ डोंट बाय दीज अगेन, क्योंकि ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कि मुझे स्टार्टिंग में 2-3 साल पहले की बात है, जब मुझे लगता था कि ये बहुत हेल्दी है एंड आई यूज़ टू टेक इट रेगुलरली इन माई ब्रेकफास्ट, विच वॉज रियली 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 बैड. सो फॉर नाउ वट आई एम डूइंग इज आई एम हैविंग दिस कोकोनट वाटर डेली बिकॉज यहाँ बैंगलोर में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है एंड मुझे बहुत पसंद है. आई लाइक टू हैव इट रेगुलरली. नाउ वन मोर थिंग कि हम लोग को अभी गर्मियाँ हैं तो हम लोग को मन करता है हम स्मूदीज पिएँ, हम आइसक्रीम्स खाएँ, नो ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें, ये सब मन करता है. तो लोग क्या कहते हैं कि स्मूदी और शेक्स के नाम पे नो मिल्क शेक बना रहे होते हैं, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी ये वो, आई मीन दैट्स फाइन. अगर आप उसमें बिल्कुल शुगर या डेरी मिल्क अवॉइड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. बट वॉट आई विल सजेस्ट इज़ कि जस्ट गो फॉर दिस हेल्दी काइंड ऑफ स्मूदीज. तो ये ग्रीन स्मूदी है एंड ऐसी ओट स्मूदी है, दीज टू आर माई फेवरेट. एंड मैंने दोनों की रेसिपी डाली हुई है इंस्टाग्राम पे. तो मैं हर मॉर्निंग ये पीती हूँ क्योंकि मुझे मतलब अच्छा भी लगता है कि स्मूदी जैसा है, प्लस टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है. एंड द बेस्ट थिंग कि आप सुबह सुबह अपने डाइजेस्ट सिस्टम को ग्रीन्स एंड फ्रूट्स अवेलेबल कराते हो तो वो डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छे से रीस्टार्ट होता है एंड ऑल्सो इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड वेरी नाइसली. वन मोर थिंग, क्या मन करता है कुछ मीठा खाने का, स्वीट्स खाने का, क्योंकि हमारे जो सेंसेस होते हैं वो हैं इस तरह, जब हम अपना मील लेते हैं प्रॉपर, वो लंच हो या डिनर हो, हम लोग को क्रेविंग होती है थोड़ा सा कि हम कुछ मीठा भी खाएं उसके साथ. तो प्लीज़ ऐसे बाहर से ला करके कोई स्वीट मतलब रख लो और फिर खाओ, ऐसा मत करो. आप व्हाट यू कैन डू इज़ काफ़ी सारी, आजकल तो मैं देख रही हूँ इंटरनेट पे काफ़ी सारी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पे आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स को यूज़ करते हो, नट्स को यूज़ करते हो एंड उसको मिक्स करके अच्छी एक स्वीट बना सकते हो, या यू नो एनर्जी बार टाइप बना सकते हो, बहुत ही स्वीट सा टेस्टी सा. मैंने अभी बनाया भी था रिसेंटली एंड मैंने इंस्टा पे उसको डाला भी है, बट अभी वो खत्म हो गया सो आई कैन शो यू राइट नाउ. बट या यू कैन फॉलो मी देयर एंड यू कैन सी इट. एंड इफ़ यू वॉन्ट आई विल अपलोड अ रेसिपी ऑल्सो फॉर दैट. इज इग्नोर दैट कैंडीज एंड ऑल एंड आर्टिफिशियल बेरीज एंड ऑल, जस्ट गो फॉर सम ऑर्गेनिक ड्राइड बेरीज, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स. आप बस थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना है एंड थोड़ा सा आपको ऑप्शन ढूंढना है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट यू कैन ऑलवेज हैव अ हेल्दी ऑप्शन. एंड नाउ ऑयल. अब घर में ऑयल तो यूज़ होता ही है सबके, यू नो नॉर्मल ऑयल जो कुकिंग ऑयल होता है वो तो यूज़ हो गई, सब्जी दाल कुछ भी बनती है तो ऑयल तो हम यूज़ करते ही हैं. बट यू नो वॉट, वो ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है एंड जब प्रोसेस हो रहा होता है तो उस टाइप सारे न्यूट्रिशंस लैक करता है एंड इनफैक्ट इट बिकम्स अ बिट टॉक्सिक फॉर अस बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेस्ड होता है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर योर गट एंड योर बॉडी. सो वॉट यू कैन डू इज़ प्लीज़ ट्राई टू गो फॉर सम कोकोनट ऑयल या फिर बहुत सारे ऑयल हैं, डिफरेंट ऑयल लाइक ऑलिव ऑयल, सेसमे ऑयल एंड ऑल. बट मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कोकोनट ऑयल क्योंकि मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया उसको कुछ महीने पहले एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा. क्योंकि ऑलिव ऑयल अच्छा है बट ऑलिव ऑयल आप हर जगह हर चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हो बिकॉज उसका स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है. आप इंडियन कुकिंग में इतना अच्छा वर्क नहीं करता है. आप उसको सैलेड या सब्जियों को सॉटे करने के टाइम ऐसी चीज़ों पर यूज़ कर सकते हो.
ऑल्सो घी, आप ऑयल का अल्टरनेटिव घी भी रख सकते हो, बिकॉज आई मीन लाइक आप खिचड़ी बनाते हो, दलिया बनाते हो, वो सब चीज़ें मैं प्रेफर करती हूँ घी में बनाना, क्योंकि वो टेस्ट भी बहुत अच्छा देता है घी के साथ, एंड यू नो ओवरऑल एक बहुत ही हेल्दी मील लगता है वो मेरे को. सो आई रियली होप दैट यू ऑल एन्जॉयड माई वीडियो. आई रियली होप कि आपको ये हेल्प करे, एंड प्लीज़ प्लीज़ एक बार आप ये सब चीज़ें थोड़ा सा थोड़े दिन के लिए आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है देन यू कैन कंटिन्यू. क्योंकि मुझे पर्सनली ये सब चीज़ें जब मैंने रिप्लेस की एंड ट्राई किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखा, एंड इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी. कि मुझे काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि प्लीज़ टेल मी वेट लॉस कैसे करना है, एंड वॉट इज़ योर वेट लॉस रूटीन. तो यार मेरा कोई स्पेसिफिक वेट लॉस रूटीन तो नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ मॉडिफिकेशन आपको करने होते हैं, तो ये उनमें से एक मॉडिफिकेशन था जो मैंने डेली लाइफ में किया है अपने, एंड आई होप आप भी करके देखोगे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. लव यू ऑल.